हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने को लेकर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उदयपुर पहुंचे। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने उदयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवालों पर प्रसाद ने बेबाक तरीके से जवाब दिए। राम मंदिर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्ट में जो राम मंदिर बनाने का वादा किया गया है उसको लेकर पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि जहां पर रामलला विराजमान है उस क्षेत्र को वैधानिक घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जन्मस्थान का हिस्सा हिंदुओं, आगे का हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और इससे आगे का हिस्सा मुसलमानों को मिलेगा। इसके बाद कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई कि और बिना मांगे ही बंटवारा करने का हवाला दे दिया, लेकिन इस पर भी फैसला जनवरी में आना लगभग तय है। इस दौरान प्रसाद ने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ कांग्रेस नेता यह कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे। इस पर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि उनके नेता कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद की ओर से पैरवी कर रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कभी भी कांग्रेस ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।